हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज बात करते हैं कि NIACLAO का आखिर एग्जाम आया कैसा था और इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। अब गाइस देखो, मैंने काफी सारे बच्चों से बात करी है, मतलब मेरा सैंपल साइज अच्छा खासा बड़ा है। उसके बाद मुझे ये पता है कि इस बार का पेपर आया था इजी टू मॉडरेट, थोड़ा मॉडरेट मान के चल सकते हैं, इजी थोड़ा कम आया था, मॉडरेट की साइड थोड़ा पेपर ज्यादा था। अब भाई मैंने अराउंड 100 बच्चों से बात करी है, रिजल्ट क्या आया है उसका? भाई रिजल्ट ये आया है कि एक एवरेज बच्चा, मतलब एक बच्चा जिसके अराउंड अभी 3 या 5 महीने पहले जिसने प्रिपरेशन चालू करी है और अच्छी खासी मेहनत करी है, उसने 70+ अटेम्प्ट्स करे हैं। मतलब एक एवरेज बच्चा जिसने अभी नई प्रिपरेशन चालू करी है उसके अटेम्प्ट 70 के आसपास रहे। और अगर सेक्शनल वाइज बात करें तो भाई सेक्शन में इंग्लिश सबसे ईजी आया, सबसे मक्खन सेक्शन था। हर शिफ्ट में इंग्लिश में मैंने बच्चों को देखा तो 25 कम से कम 25 अटेम्प्ट करके आए हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे जो 30 में से 30 अटेम्प्ट करके आए हैं विद 100% एक्यूरेसी। मतलब कई सारे बच्चे तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 मार्क्स तो इंग्लिश के सेक्शन में ही स्कोर कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग था बीच का सेक्शन और उसी टाइप का उसका लेवल भी था। भाई रीजनिंग में पजल्स का पार्ट थोड़ा ज्यादा था, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, थोड़ा मॉडरेट सेक्शन आया था, बट बाकी सारी चीजें बहुत इजी आई थी। फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन सेंस, वो बहुत ज्यादा इजी आए थे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो रीजनिंग सेक्शन भी बच्चों का अच्छा गया है और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 25+ अटेम्प्ट्स तो करे ही करे हैं। बट ये आपके मान के चलो कि 22 के ऊपर अटेम्प्ट्स, मतलब 22+ अटेम्प्ट्स तो मैक्सिमम बच्चों ने करे हैं। मतलब 30 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के, 22 क्वेश्चन हो गए आपके रीजनिंग के। मतलब ओवरऑल लगा लो तो 50+ इन दो सेक्शन से ही आपका स्कोर होना चाहिए था। तीसरा और सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन जो पूछा गया वो था क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन मुश्किल इसलिए था बिकॉज थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा था। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन जो पूछे गए वो थोड़े ट्रिकी थे, बट अगेन अगर आपने द अल्फा बैंकर के मैंने जो इतने सारे डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे सॉल्व करवाए थे अगर वो आपने फॉलो करे होंगे, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आज आप पेपर में देख के बहुत खुश होंगे, बिकॉज एक रेशियो एंड प्रपोर्शन पे बेस्ड वाला डेटा इंटरप्रिटेशन था, वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेटा इंटरप्रिटेशन हमने द अल्फा बैंकर चैनल पे कर रखा है। तो अगर आपने द अल्फा बैंकर के वो क्लासेस अच्छे रिलीजियसली फॉलो करे होंगे तो आज आपका क्वांट का सेक्शन भी अच्छा गया होगा और आपने आई थिंक इजीली बाय 25+ क्वांट के सेक्शन में भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे। बट एक एवरेज बच्चे की बात करें तो एक एवरेज बच्चा अराउंड 20 क्वेश्चन करके आया है आज के क्वांट के सेक्शन में। तो भाई सीधा सीधा लगा लो 50 और 20 70, मतलब भाई एवरेज बच्चे के 70 मार्क्स हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर मेरे 70 मार्क्स हैं तो मेरा इस बार सिलेक्शन होने वाला है। भाई मैं आपको बताऊं, इस बार कट ऑफ कम से कम, फिर से बोल रहा हूं, कम से कम 80+ जाने वाली है। अब भाई आपको जो भी लगता हो, आपने जिन भी बच्चों से बात करी हो, जो भी चैनल्स पे देखा हो, भाई मुझसे लिखवा के ले लो, 80+ इस बार कट ऑफ जाने वाला है। इसका रीजन अब आप पूछोगे मुझसे, मैं आपको रीजन बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसका जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क जैसा ही होता है, तो उनका तो कट ऑफ इतने स्कोर पे या इस लेवल पे नीचे जाता है। तो भाई इसका क्या रीजन है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जो उनके वैकेंसीज होते हैं वो हजारों में होते हैं, बट यहाँ जो आपके वैकेंसीज है वो एक मुट्ठी भर है, सैकड़ों में बस यहाँ पे वैकेंसीज हैं। मतलब वहां पे आपके 10 गुना 10 times वैकेंसीज होते हैं। तो अगर स्ट्रेट अगर उससे भी कंपेयर करोगे तो 10 times यहाँ पे आपका कट ऑफ भी तो इंक्रीज होना चाहिए ना। और वही बात यहाँ आएगी, इस वजह से आज का पेपर आपका एटलीस्ट 80+ कट ऑफ मांगेगा आपसे। अब अगर मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ एट द एंड कि अगर आपके 80 से कम अटेम्प्ट्स हैं और आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन राइट अवे चालू कर दो। हाँ, अगर आप चाहो तो मेंस की प्रिपरेशन जरूर चालू कर सकते हो, बिकॉज आप जब मेंस की प्रिपरेशन चालू कर दोगे तो अनडाउटेडली वो आपके आने वाले एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल SBI PO या IBPS PO में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। बट अगर मेंस की प्रिपरेशन चालू कर भी रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा ना कि बाकी सेक्शन तो पढ़ लो, बस इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है, जो मतलब डेडिकेटेड बस इंश्योरेंस के एग्जाम्स में ही पूछे जाने वाली है, उसको थोड़ा बाद में चालू करो, बिकॉज तब तक आपको थोड़ी क्लैरिटी और ज्यादा मिल जाएगी। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस बाद में चालू करो, बाकी क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश की अगर मेंस की प्रिपरेशन चालू करना चाहते हो तो बिल्कुल चालू कर सकते हो। चांसेस कम है 80 के नीचे वाले अटेम्प्ट्स वाले बच्चों के, स्टिल होप हमेशा रहती है, भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। बट सारे ही शिफ्ट जितने भी पूछे गए वो ऑलमोस्ट किसी में क्वांट मुश्किल आ गया, किसी में रीजनिंग ट्रिकी आ गया, किसी में इंग्लिश ऐसा आ गया वैसा आ गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए सारे सेक्शंस या सारे स्लॉट्स
ऑलमोस्ट सेम ही थे, थोड़ा बहुत एक दो चार नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, बट 80 के नीचे अगर अटेम्प्ट्स हैं और एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन जरूर चालू कर दो। इसको दिल से मत लगाओ, सबसे पहले खुद को माफ करो, खुद की गलती मानो कि हाँ आज आपसे गलती हो गई, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया, आपने अच्छे फोकस से एग्जाम नहीं दिया, या हो सकता है किसी क्वेश्चन में उलझ गए हो, पर इनमें से अगर कोई भी रीजन है तो भाई खुद को आज ये एक्सेप्ट करो, रात को आज सोने से पहले खुद को माफ करो और कल सुबह फिर एक नई रोशनी होगी, नई सुबह होगी और एक नई शुरुआत होगी, और अगले कल से जो दिन चालू हो रहा है अगली अपनी प्रिपरेशन में हर दिन जी जान लगा के प्रिपरेशन चालू कर देना। अगर कोई भी बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने एक डेडिकेटेड SBI PO टारगेट SBI PO बैच चालू करा है, इसके साथ ही चैंपियन सीरीज है जिसमें हम हर सेक्शन की, दैट इज इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तीनों सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं भर भर के। मतलब हर वो टॉपिक जो भी एग्जाम में आने के 1% चांस भी है वो आपको टारगेट SBI PO बैच में क्लासेस मिल जाएंगी। फाइन गाइस, सी यू देयर, सी यू देन इन टारगेट SBI PO बैच। टेक केयर।